बात जरा ट्रैफिक की करते हैं। जी हाँ, ट्रैफिक एक रियल मेनेस है दिल्ली वालों के लिए, कई जगहों पर बहुत ज्यादा सामना करना पड़ता है। पहले तो 8, 9 और 10, क्या ये तीन दिनों के लिए दिल्ली को आप बंद करने वाले हैं? क्या लोगों को घर के अंदर रहना है? क्या आप संदेश देंगे दिल्ली वालों के लिए 8, 9 और 10 को लेकर? कई लोगों के मन में हुआ, हालांकि दिल्ली सरकार ने पहले ऐलान कर दिया है कि स्कूल वगैरह बंद रहे। देखिए, मैं कई बार ये बात को कह चुका हूँ कि कोई लॉकडाउन जैसा वर्ड हमें यूज नहीं करना चाहिए। यहाँ कोई लॉकडाउन होने वाला नहीं है, सिर्फ नई दिल्ली का एक इलाका है जहाँ पर रिस्ट्रिक्शंस होंगे। केवल नई दिल्ली का इलाका है और वो होटल्स के एरिया जहाँ पर G20 के गेस्ट रुकने वाले हैं। उसके अलावा दिल्ली खुली हुई है, कहीं पर भी कोई रुकावट नहीं होने वाली है। मेट्रोज खुली हुई हैं, दिल्ली का और पार्ट्स हैं वो खुले हुए हैं, लोग आएंगे जाएंगे, कोई तकलीफ नहीं। तमाम स्टेशन पर भी मेट्रोज रुक रहे हैं? बिल्कुल रुक रहे, सिर्फ 2 स्टेशन पर रिस्ट्रिक्शंस हैं, सारे स्टेशन जो हैं खुले दिए जाएंगे। तो मैं आपसे बार बार ये कहना चाहता हूँ कि दिल्ली वालों को स्वस्थ भी करना चाहता हूँ कि आपको कोई डरने की जरूरत नहीं कि दिल्ली के अंदर लॉकडाउन हो गया है। कोई लॉकडाउन नहीं हो रहा है, आप सच हैं, आप घूमें, जहाँ जाना चाहते हैं जाएं, लेकिन एक छोटे से इलाके को ही रिस्ट्रिक्ट किया गया। एक चीज मैं और आपसे कहना चाहूंगा, ये दिल्ली के लोगों के लिए एक बहुत बड़ी घटना है। इतनी बड़ी इंसिडेंट हो यहाँ होने वाली है, दिल्ली के लोगों को एक बहुत बड़ा तोहफा दिया है प्राइम मिनिस्टर ने। तो हमें अगर थोड़ी सी तकलीफ भी हो रही है 1 या 2%, तो हमें उसे सहना चाहिए, क्योंकि ये दिल्ली वासियों के लिए एक बहुत बड़ी घटना है, जैसे आपसे पहले भी कहा, और इसके लिए हमें तैयार भी रहना चाहिए। सुरक्षा के मुद्दे पर अब आते हैं, सिक्योरिटी न सिर्फ जो नेशनल हेड्स आ रहे हैं, नेशन हेड्स, बल्कि पूरी दिल्ली में कैसे व्यवस्थित हो सुरक्षा के इंतजाम तमाम, उन सब पर क्या जानकारी आप देंगे? देखिए, सुरक्षा के जो बहुत छोटे छोटे एलिमेंट्स हैं उनको तो मैं डिस्कस नहीं कर सकता, लेकिन मैं इतना कह सकता हूँ कि दिल्ली पुलिस के इसकी जिम्मेदारी है और दिल्ली पुलिस ने जो और भी सुरक्षा एजेंसीज हैं उन सबको रोपिन किया हुआ है और बड़े कोऑर्डिनेशन के साथ सारे काम हो रहे हैं। एक एक चीज पर ध्यान रखा जा रहा है, चप्पे चप्पे पर हमारी नजर है, किसी भी अप्रिय घटना को नहीं होने देंगे, ये हमारा आपसे वादा है। जहाँ तक हमारे हेड ऑफ स्टेट्स आ रहे हैं, उनकी सुरक्षा का सवाल है, जैसा मैंने कहा कि उनके अपने प्रोटोकॉल्स होते हैं जिनको निभाया जाता है, उनके उसी प्रोटोकॉल के मुताबिक उनको सुरक्षा मुहैया कराई गई है और हर तरीके से हम तैयार हैं। और दिल्ली, मैं ये कहूँगा कि दोनों हाथ ओपन करके अब G20 के जो राष्ट्राध्यक्ष आ रहे हैं उनको रिसीव करने के लिए तैयार है। काउंटडाउन शुरू हो चुका है और कई बार ऐसा लगता है जब आपके घर में आयोजन हो तो सबसे ज्यादा नर्वस घर का मुखिया होता है। जी हाँ, दिल्ली LG हैं आप यहाँ पर, तो जाहिर तौर पर आपके लिए ये नर्वस मोमेंट्स है या आपको बहुत गर्व हो रहा है कि अब आ जाए, जो जो होना है सब तैयार है हम लोग और बहुत अच्छी तरह से सब कुछ। मैं ये तो नहीं कहूंगा कि मैं नर्वस हूँ। हाँ, मैं कॉन्फिडेंट हूँ और जिस तरीके से हम लोग काम कर रहे हैं हम सफल होंगे उसमें। और मैं इतना भी कहना चाहूंगा कि जो मेहमान हमारे यहाँ एक दिल्ली का बहुत सुंदर रूप देख के जाएंगे, जब वो यहाँ से अपने देश वापस जाएंगे तो कहेंगे कि वास्तव में हिंदुस्तान से जैसा कोई देश नहीं है, यहाँ की कैपिटल ने हमारी जो मेहमान नवाजी की है उसका भी कोई जवाब नहीं। इस बार LG साहब G20 के जितने भी इससे पहले हुए हैं, चाहे वो इंडोनेशिया में हुआ हो, कहीं भी हुआ हो, जो मेन कैपिटल सिटी है वहीं पर पूरा फोकस रहता था, लेकिन भारत में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने से ईटानगर से लेकर अहमदाबाद, श्रीनगर से लेकर दक्षिण के कई शहरों में हर जगह पर कराया। एक सोच इसके पीछे थी कि पूरे भारत की संस्कृति को हम विदेशों के सामने रिप्रेजेंट करें। वो जो पूरा थीम रहा है G20 का, या फिर जब भी फॉरेन डिग्निटरीज आती थी उनके साथ आपका इंटरेक्शन, उसके बारे में क्या? देखिए, आपने खुद ही कह दिया, ये प्रधानमंत्री की सोच है, जो देश है वो पूरे देश का विकास होना चाहिए। G20 की मीटिंग जिस स्टेट में हुई, आप देखिए उस सिटी का बदलाव कितना हो गया, पूरा मेकओवर हो गया। तो ये एक नया मैसेज गया है। दूसरी बात ये, वहाँ के होटल्स को बिजनेस मिला, वहाँ के लोकल लोगों को बिजनेस मिला, क्योंकि वो लोग शॉपिंग्स के लिए गए, बहुत सारी चीजें हुई। तो ये सोच प्रधानमंत्री की है कि सबका साथ सबका विकास, ऐसा ना हो कि सिर्फ दिल्ली के अंदर ही सारा डेवलपमेंट हो जाए और स्टेट जो है उसे अछूते रह जाए। तो इस बात को ध्यान में रखकर उन्होंने ये सोचा कि हमको G20 के और जो
साइडलाइंस की जो मीटिंग्स हैं उनको अलग अलग स्टेट्स में करना है, अलग अलग सिटीज के अंदर करना है, और वास्तव में इसका एक बहुत पॉजिटिव असर हुआ है। और जो विदेशी मेहमान आए उन्होंने दिल्ली के अलावा देश के अलग अलग कोनों में जाकर ये देखा कि वास्तव में देश कितना अद्भुत है, यहाँ कितने सुंदर लोग हैं, यहाँ कितनी शानदार सिटीज हैं, तो वो हमारे कल्चर से भी रूबरू हुए। तो ये एक बहुत शानदार निर्णय था प्रधानमंत्री जी का और उसका बहुत असर हुआ पूरे देश के। हालांकि ये वक्त नहीं है पॉलिटिक्स का, लेकिन दिल्ली सरकार अपने तरीके से काम कर रही थी, आप भी कर रहे थे, समन्वय बिठाना क्या चैलेंज था? कई जगहों पर हमने देखा, मैंने पहले भी कहा कि इसमें कोई शक नहीं कि समन्वय बैठाना एक चैलेंज होता है क्योंकि दिल्ली एक कॉम्प्लेक्स सिटी है, लेकिन मैं समझता हूँ कि आज हमारा समय जो है वो इन सब बातों का नहीं है। हम सब मिलकर काम कर रहे हैं, सारे विभाग मिलकर काम कर रहे हैं, और हमारा सिर्फ एम एक ही है कि जो मेहमान हमारे देश में आ रहे हैं, जो हमारे इंटरनेशनल कैपिटल में आ रहे हैं, वो यहाँ से एक सुखद अनुभव लेकर यहाँ आए। किस स्तर पर, किस लेयर्स में और कहां कहां पर आपका इन्वॉल्वमेंट रहा इस पूरे प्रोसेस में जो दिल्ली को बेहतर करने के लिए, किन एजेंसीज के साथ मिलकर क्या क्या आपने किया है, अगर पूरा सफर आप बताएं कितने दिनों में? देखिए, पिछले दो महीनों में मैंने लगभग 60 दिनों के अंदर अगर मैं कहूं तो करीब 54 टाइम्स मैंने रोड के दौरे किए हैं। एक एक रोड पर मैंने करीब 5-5-6-6 किलोमीटर हमारे अधिकारियों के साथ चला है। एक एक रोड को हमने ये देखा है कि कहाँ फुटपाथ टूटा हुआ है, कहाँ रोड रिपेयर मांगता है, कहाँ सेंट्रल ब्रिज खराब है, कहाँ पॉट्स रखने की जरूरत है। एक एक चीज की मैपिंग की गई है, पहले मैपिंग की गई और उसके बाद उसको तैयारी की गई। 6 लाख गमलों का सिटी के अंदर लगाना ये कोई साधारण काम नहीं। 6 लाख गमले और 50,000 गमले इस वक्त हमारे पास रिजर्व में रखे हुए हैं कि अगर कोई गमला सूख जाता है या कोई उड़ जाता है या कोई उठा के उसको ले जाता है तो हम उसको इमीडिएटली रिप्लेस करते हैं। तो इस लेवल पर तैयारी की गई है। और मैंने कहा कि एक एक इंच को नापा गया है, अगर मैं ये कह रहा हूँ तो पूरी शिद्दत के साथ कह रहा हूँ कि एक एक इंच को नापा गया है, उसके बाद हमने जो है सिटी को चमकाया है। तो ये बहुत बड़ा टास्क था, लेकिन जैसे मैंने कहा कि हर अधिकारी ने, हमारी पूरी फोर्स ने बहुत मेहनत से काम किया है। इसमें राजस्थान, उड़ीसा के वो आर्टिजन्स भी आए जिन्होंने स्टैचूज को लगाया। आप देखिए किस लेवल पे काम हुआ है। और दो महीने के अंदर हमने जो मेजर काम है, आप जो जितने भी फाउंटेन्स देख रही हैं, जितने भी स्टैचूज देख रही हैं, सब 2 महीने के अंदर लगाए। ये 2 महीने में, सिर्फ 2 महीने के अंदर ये लगे। पत्थर के भी बहुत सारे फाउंटेन्स इंडिया गेट के भी चारों तरफ लगाए गए, वो हिस्से पे भी लगा, वो 2 महीने के अंदर लगे। पूरा मेकओवर जो हुआ है वो 2 महीने के अंदर हुआ है। प्लानिंग हमने जरूर 6 महीने पहले की थी, जैसे 6 लाख गमलों की प्लानिंग हमने 6 महीने पहले की थी कि हमको कितने गमले जरूरत होंगे, किस किस डिपार्टमेंट से लेने होंगे, कहाँ कहाँ लगाएंगे। अभी जैसे मैं लौट कर आ रहा था तो मैंने देखा कि एक पैच जो है थोड़ा सा वीक है, मैंने तुरंत मैसेज किया और अभी ट्रक जो है गमला लेकर निकल गया है और वहां लगाने के लिए। तो जब आप इस तरीके का कोऑर्डिनेशन करते हैं तो बहुत अच्छा लगता है। मैं एक बात और भी कहूंगा कि जिस तरीके से टीम वर्क हुआ है वो अपने में अद्भुत है। वो मेरा भी मैं कहूंगा कि ऐसा अनुभव हुआ है मैंने जिसकी कल्पना नहीं की। तो एक कहते हैं कि डेवलपमेंट की बयार आ गई है दिल्ली के अंदर और हमें इस बयार को आगे बढ़ाने की जरूरत है। ये चलेगी ना आने वाले दिनों और में। आने वाले एलजी साहब, सब दिल्ली वाले यही सोच रहे होंगे। मैं तो बार बार सोच रही हूँ उन हिस्सों की जो इंतजार में बैठे हैं, उनको लग रहा होगा कि आने वाले वक्त में क्या यहाँ तक भी ये पूरा। मैं आपके माध्यम से उनको एश्योर कर रहा हूँ कि ये बयार जो निकल पड़ी है ये आगे भी चलती रहेगी, हम इसे रोकेंगे भी नहीं, चाहे कितनी भी मुश्किल है। उसका रोड मैप तैयार है आपके पास? बिल्कुल तैयार है। मैंने आपसे कहा कि हमारा 16th से जो प्लान है वो हम रिंग रोड को ले रहे हैं और हमारे पास इस वक्त बहुत आर्टिफैक्ट्स आके रखे हुए हैं, फाउंटेन्स आके रखे हुए हैं जिन्हें हमें लगाना है, क्योंकि इस वक्त समय नहीं था लगाने का। और हम जैसे ही 16 तारीख के बाद हमने जगह उनकी डिसाइड कर ली है और उसका काम शुरू हो जाएगा, हम आपको दिखाएंगे कि देखिए किस तरीके से काम हो रहा है।